एक बार फिर से हाजिर हूँ जैविक खेती से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे कि फसलों के लिए बहुत ही जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन की पूर्ति के लिए जैविक खाद हम अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मामूल से खर्च में तैयार होने वाले इस खाद को बनाने के लिए जरूरत होगी सिर्फ गाय का गोबर और थोड़ा सा सुहागा। इसलिए इस जैविक खाद को नाम दिया गया सुहागा भस्म रसायन। फसलों में बोरॉन तत्व की पूर्ति के लिए महंगे रसायनों का प्रयोग करके अगर थक चुके हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सुहागा भस्म रसायन को खुद अपने घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। सारी प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यह सुहागा भस्म रसायन फसलों में बोरॉन तत्व की कमी को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि फसलों के लिए बोरॉन का कितना ज़्यादा महत्व है। तो फसलों में बोरॉन के कार्यों की बात करें तो बोरॉन फलों को फटने से बचाता है, पौधों में जल अवशोषण की क्रिया को नियंत्रित करता है, पौधों में परागण एवं प्रजनन की क्रियाओं में भी सहायक है, पौधों में कैल्शियम पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। यह बोरॉन कमी से दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथिकाओं का विकास सही से नहीं हो पाता। अब पौधों में बोरॉन की कमी के लक्षणों की बात करें तो फलों के फटने की समस्या देखने को मिलती है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, विकास में रुकावट आने से पौधे बौने दिखते हैं, जड़ों में विकृति आने से पौधे झाड़ीनुमा हो जाते हैं, पौधों के तनों में क्रैक दिखने लगते हैं, पौधों में कलियां फूल फल कम बनते हैं। यह सारे लक्षण पौधों में बोरॉन की कमी से देखने को मिलते हैं। इससे ही पता चलता है कि पौधों के लिए बोरॉन तत्व का महत्व कितना ज़्यादा है। पौधों को बोरॉन की ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन ज़रूरत पड़ती ज़रूर है। तो फसलों की बोरॉन तत्व की ज़रूरत को पूरा करेगा यह सुहागा भस्म रसायन। तो अब चलते हैं इसे तैयार करने की विधि की ओर। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी सुहागा। अगर आपको नहीं पता तो इस सुहागा की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट। सुहागा जिसे टंकन या टंकन भी बोला जाता है, बोरेक्स सोडियम बोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट और डाइसोडियम टेट्राबोरेट, ये सब इसके कॉमन नेम है, यानी इसे इन सभी नामों से भी जाना जाता है। बोरेक्स को हिंदी में सुहागा कहा जाता है। यह क्रिस्टल टाइप का ठोस पदार्थ होता है जो खासकर तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर, कैलिफोर्निया, कनाडा, इटली जैसे इलाकों में खनिज के रूप में प्राप्त होता है। सुहागा का उपयोग डिटर्जेंट में किया जाता है, अग्निरोधी के रूप में, फफूंदनाशी कीटनाशी के रूप में और खासकर उर्वरक के रूप में बोरॉक्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से बोरॉन तत्व प्राप्त होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ज़रा देखिए इसे, इस टाइप का होता है यह बोरेक्स सुहागा। जो लोकल मार्केट से आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैं भी इसे ऑनलाइन ही मंगवाता हूँ। ऑनलाइन मंगवाना हो तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हमें ज़रूरत है सिर्फ 200 ग्राम सुहागा की। अब हमें सुहागा के बड़े ठोस को हल्का हल्का पीस कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। आप किसी भी तरह से इसे पीस सकते हो। यह देखिए, अभी के लिए इतना काफी है। अब हमें क्या करना है, इसे तवे के ऊपर थोड़ा सा गर्म करना है, जिससे क्या होगा, ये कड़कड़ा सा हो जाएगा, हल्का सा फूल जाएगा, जिससे क्या होगा, इसे पीसने में आसानी रहेगी। हमें इसका पाउडर बनाना है। तवे के ऊपर इसे हल्का सा गर्म कर लेने के बाद अब हमें इसे बारीकी से पीस कर पाउडर बना लेना है। आप कोई भी तरीका अपना कर इसे पीस कर बारीक कर सकते हो। तो जरा देखिए, ये हो गया एकदम बारीक पाउडर। अब हमें लेना है गाय का गोबर
कितना? 10 kg। जो देसी गाय का होगा तो बेस्ट रहेगा। गाय का गोबर हमें ताज़ा लेना है, ताज़ा मतलब 4-5 दिन तक का चलता है। अब 10 kg गाय के गोबर को इस प्रकार से अच्छे से फैला दीजिए। बाद में जो हमने 200 ग्राम सुहागा पीस कर तैयार किया है ना, उसे इस गोबर के ऊपर समान रूप से छिड़क देना है। अब गोबर और सुहागे को हाथों की मदद से इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर देना है, मतलब कि 200 ग्राम बोरेक्स 10 केजी गोबर में समान रूप से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हमें इस मिश्रण को भरना है मिट्टी का घड़ा, यानी इस टाइप के मटके में। इस मिश्रण को हम जमीन में गड्ढा करके भी डायरेक्ट भर सकते हैं, लेकिन बारिश होने पर या पानी भर जाने पर ये खराब हो जाएगा, इसलिए मटका ही बेस्ट रहेगा, है ना। इस मिश्रण को हमें मटके में दबा दबा कर पूरा एयर टाइट भरना है। हाथों से दबाते जाइए और भरते जाइए। अगर आपका मटका बड़ा है और थोड़ा सा खाली रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इस मटके के मुंह को किसी प्लास्टिक या पॉलीथीन से अच्छे से बांधकर पूरा एयर टाइट पैक कर देना है। तो अब यह मटका तैयार है। अब हमें इसे किसी छायादार स्थान पर बिना किसी छेड़छाड़ या डिस्टर्ब किए ऐसे ही छोड़ देना है। कब तक? 45 दिनों के लिए। ओके, बड़े पेड़ के नीचे घर में या किसी भी शेड वाली जगह पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 45 दिनों के बाद जब हम इसे खोलेंगे तब हमारा सुहागा भस्म रसायन बनकर तैयार हो चुका होगा, जिसे मटके से निकालने पर कंपोस्ट टाइप का भुरभुरा सा निकलेगा। अगर आप कहोगे तो जिस दिन मैं इसे ओपन करूंगा तब आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूंगा कि इसे निकालने पर या यह सुहागा भस्म रसायन तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा। ओके, अब इसका प्रयोग और मात्रा की बात कर लेते हैं। तो तैयार हो जाने के बाद यानी 45 दिनों के बाद मटके से जो सुहागा भस्म रसायन निकलेगा उसकी 1% मात्रा यानी इसकी सिर्फ 1 kg मात्रा को प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर फसलों के ऊपर स्प्रे करना है हमें। क्या कीजिए, इसकी 1 kg मात्रा मटके से निकालकर किसी ड्रम में 100 लीटर पानी में अच्छे से घोल दीजिए। 1-2 दिन पानी में रख भी सकते हैं। बाद में इसे बारीक कपड़े से छानकर फसलों के ऊपर स्प्रे कर देना है। यह सिर्फ डेमो है, यानी 10 केजी का माप है। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हो। मात्रा उस हिसाब से ऐड कीजिए, मतलब कि 20 केजी गोबर के लिए 400-500 ग्राम सुहागा ले सकते हो। इसका प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था छोड़कर फसल अवधि में कम से कम 2 स्प्रे जरूर करने हैं। यह आपकी फसल में बोरॉन की कमी नहीं होने देगा और गोबर से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व तो मिलेंगे ही। यह खाद 100% जैविक नेचुरल है। इसका फसलों के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए बोरॉन की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग बिना झिझक कर सकते हैं। अगर किसी भी किसान भाई ने इसका प्रयोग पहले कभी किया हो या करते हैं तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं अन्य किसानों को शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको भी कुछ प्रेरणा मिले। सुहागा भस्म रसायन के बारे में यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अन्य किसानों में शेयर कीजिए, हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप भी करते हैं मेरी तरह खेती बाड़ी से प्यार तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय किसान, जय हिंद।